नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की होगी जो प्रदेश के दो सीएम और देश को दो राज्यपाल तक दे चुका है। भले ही इस क्षेत्र की बहुत ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन ये देश और प्रदेश की राजनीति को हमेशा दिशा और दशा दोनों ही देता है। कौन सी है ये सीट, क्या है इसका इतिहास और भूगोल, और क्यों ये क्षेत्र देश प्रदेश की राजनीति को इतना प्रभावित करता है, देखिए खास रिपोर्ट। बासगांव लोकसभा चुनाव का रण, सीएम के क्षेत्र का पूरा हाल हिसाब, सामाजिक ताना बाना और जाति आधार, बासगांव में कब कब चला किसका दांव, गोरखपुर के दक्षिणांचल में राप्ती और आमी के किनारे बसा मैं बासगांव हूं। मेरा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। राप्ती और आमी के संगम पर स्थित सौगौरा गांव में खुदाई के दौरान मिले ताम्रपट पर ब्राह्मणी लिपि में मेरा जिक्र मेरी ऐतिहासिकता पर मुहर लगा चुका है। मैं श्रीनेत क्षत्रिय समाज की अनूठी परंपरा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूं, जिसके तहत नवरात्रि की महानवमी के दिन मंदिर में माता के चरणों में वो अपना रक्त चढ़ाते हैं। अनादिकाल से यह परंपरा इस गांव में चली आ रही है। मेरे यहाँ के लोग अपने रसूख और एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। श्रीनेत क्षत्रिय माँ की पूजा अर्चना के बाद शरीर के पांच जगहों से रक्त निकालकर माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, जैसे गांव का ही एक नाई अपने उस्तरे से कट लगाकर निकालता है। रक्तदान देने वालों में 15 माह का बच्चा भी शामिल होता है। कहा जाता है कि पहले ये परंपरा कहीं और हुआ करती थी, लेकिन बाद में समाज के लोगों ने इसे बासगांव के इस मंदिर में करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये एक बड़ी परंपरा का रूप लेती चली गई। कहा जाता है कि रक्त अर्पित करने वाले समाज के लोग शरीर से निकलने वाले रक्त को रोकने और घाव को ठीक करने के लिए माता के भभूत को अपने कटे हुए स्थान पर लगा लेते हैं और उसी से उनके घाव ठीक हो जाते हैं। आजादी के बाद साल 1952 के लोकसभा चुनाव में मैं गोरखपुर लोकसभा सीट का हिस्सा था। 1957 में मुझे संसदीय क्षेत्र के रूप में मुझे मान्यता मिली। 1957 से मैं लगातार सुरक्षित सीट ही हूं। मैं अब तक प्रदेश को दो सीएम और देश को दो राज्यपाल दे चुका हूं। मेरे इतिहास की ही तरह मेरा संसदीय इतिहास भी बड़ा ही गौरवशाली रहा है। देश के पहले चुनाव में मैं गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। देश के दूसरे लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में मेरे यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार महादेव प्रसाद ने जीत हासिल की। 1962 के चुनाव में लगातार दूसरी बार महादेव प्रसाद ने मेरे यहाँ जीत हासिल की। 1967 के चुनाव में वो हैट्रिक लगाने की फिराक में थे, लेकिन मेरे यहाँ कांग्रेस से बागी हो चुके मतदाताओं ने महादेव प्रसाद का सपना पूरा नहीं होने दिया और इस चुनाव में मेरे यहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मोलहू प्रसाद ने जीत हासिल की। कहा जाता है कि मोलहू प्रसाद ने इस चुनाव में साइकिल से ढपली बजाकर लोगों से वोट मांगे और लोगों ने उन्हें लोकसभा भेज दिया। 1971 में मेरे यहाँ समीकरण फिर कांग्रेस के लिए मुफीद हो गए और फिर कांग्रेस ने वापसी की। इस बार मेरे यहाँ से कांग्रेस के राम सूरत लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा विरोध में हुए लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ के मतदाता भी कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए। इस चुनाव में मेरे यहाँ भारतीय लोकदल के उम्मीदवार फिरंगी प्रसाद को मेरे मतदाताओं ने लोकसभा भेजा। 1980 में मेरे यहाँ कांग्रेस को एक करिश्माई नेता मिला, जिसने मेरे यहाँ जीत की पहली बार हैट्रिक लगाई। उस नेता का नाम था महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद 1980 से लेकर 1989 तक सांसद रहे। उन्होंने लगातार 1980, 1984 और 1989 का चुनाव जीता। 1991 की राम लहर का असर मेरे यहाँ भी हुआ, जिसमें महावीर प्रसाद का किला ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने पहली बार मेरे यहाँ से जीत हासिल की और राज नारायण सांसद चुने गए। हालांकि राम लहर के बीच 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना दबदबा कायम नहीं रख सकी और मेरे यहाँ पहली बार समाजवादी पार्टी ने खाता खोला। इस बार मेरे यहाँ से सपा के टिकट पर सुभावती सांसद निर्वाचित हुई, लेकिन सुभावती और समाजवादी पार्टी पर मेरे मतदाताओं का भरोसा 2 साल में ही खत्म हो गया और मैं बीजेपी का मजबूत किला बन गया।
1998 के लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ बीजेपी और राज नारायण पासी ने वापसी की। राज नारायण पासी मेरे यहाँ 1998 और 1999 में लगातार दो बार सांसद चुने गए। 2004 में मेरे यहाँ के मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। इस बार कांग्रेस के महावीर प्रसाद मेरे यहाँ से चौथी बार चुनाव जीतने में सफल हुए। 2009 में मेरे यहाँ बीजेपी ने ऐसी वापसी की, तब से लेकर अब तक मेरे यहाँ बीजेपी का ही कब्जा जमा हुआ है। बीजेपी के कमलेश पासवान 2009 से लेकर अभी तक मेरे सांसद हैं। इस दौरान वो महावीर प्रसाद के हैट्रिक के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं और इस बार उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के फिराक में हैं। मेरे आजादी के बाद हुए कुल 16 चुनावों में अब तक 7 बार कांग्रेस 6 बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। सपा यहाँ से एक बार ही अपना सांसद जिता पाई है, जबकि बीएसपी यहाँ कभी अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब नहीं हो सकी। मैं यूपी के सबसे पुराने तहसीलों में से एक हूँ। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 4,47,172 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,24,553 और महिलाओं की संख्या 2,22,619 है। यूपी के लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। कुल आबादी में से 3.4% लोग शहरों में, जबकि 96.6% लोग गाँवों में रहते हैं। मेरे यहाँ की औसत साक्षरता दर 71.35% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.88% और महिलाओं की साक्षरता दर 59.89% है। वर्तमान में मेरे यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 17,60,090 है, जिसमें महिला मतदाता 7,79,762 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,80,235 है। मैं देश के 250 अति पिछले जिलों में आता हूँ। पंजाब के बाद एक पट्टी में सबसे ज्यादा गेहूं मेरे क्षेत्र में ही होता है। मेरे यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मेरे यहाँ प्रशासनिक और राजनीतिक संसाधन तो हैं, लेकिन विकास नहीं दिखता। यही कारण है कि लंबे समय से मेरे क्षेत्र को जिला बनाने की मांग उठ रही है। मैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होने के साथ साथ विधानसभा सीट भी हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में यूपी विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है, जिसमे चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार, रुद्रपुर और बरहस शामिल है। इनमें से बरहज विधानसभा क्षेत्र देवरिया जिले का हिस्सा है। इनमें से बांसगांव की विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनावों में इन 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र में बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति में है। चौरी चौरा से बीजेपी के सरवन निषाद सांसद है। बांसगांव सुरक्षित सीट से बीजेपी के विमलेश पासवान, चिल्लूपार से बीजेपी के राजेश त्रिपाठी, रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद और बरहज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के दीपक मिश्रा विधायक हैं। सपा बसपा और कांग्रेस का इस क्षेत्र में कोई विधायक तक नहीं है। वहीं अगर मेरे सामाजिक ताने बाने की बात की जाए तो मेरे यहाँ एससी और पिछली जाति के वोटरों की संख्या अधिक है। अनुमानित जाति समीकरण की बात करें तो सवर्ण 5 लाख, ओबीसी 8.34 लाख, एससी एसटी 2.50 लाख, मुस्लिम 1.50 लाख के करीब है। यहाँ ओबीसी मतदाता ही निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन एससी एसटी और सवर्ण वोटरों के सपोर्ट के बिना यहाँ किसी की दाल नहीं गल सकती। यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा बना रहा है। क्षेत्रीय दल यहाँ कभी कभार ही जीतने में कामयाब रहे। मेरे संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक उठापटक बहुत रही। मैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 67वें नंबर की सीट हूँ। तमाम राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के बावजूद मेरे यहाँ के मतदाताओं का रुख राष्ट्रीय दलों की तरफ ही रहा। क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में मेरा मतदान कम ही रहा। यही वजह है कि मेरे यहाँ से लगातार 3 बार से बीजेपी के कमलेश पासवान सांसद हैं और उनकी जीत का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। 2009 में जब सपा बसपा और कांग्रेस तीनों दलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उस वक्त मैं बीजेपी के कब्जे में गई थी। 2014 की लहर में मेरे मतदाताओं ने बीजेपी और कमलेश पासवान पर भरोसा जताया। कमलेश पासवान को सांसद बनाया गया। इस चुनाव में उन्हें 4,17,959 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 48% था। 2009 के चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उन्हें 13% ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रही बीएसपी को 2,28,443 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 26% था। तीसरे नंबर पर रहे सपा उम्मीदवार गोरख प्रसाद पासवान को 1,33,635 वोट मिले, जो कुल मतदान का 15% ही था। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार 50,000 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे थे।
2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन की वजह से बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी मानी जा रही थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। इस चुनाव में कमलेश पासवान को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा वोट मिले। इस चुनाव में कुल मतदान का 57% हिस्सा उनके साथ रहा। कमलेश पासवान को इस चुनाव में 5,46,673 वोट मिले थे। वहीं सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार बसपा के सदर प्रसाद को 3,93,205 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 41% था। बासगांव लोकसभा क्षेत्र फिलहाल बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। सीएम योगी का क्षेत्र होने की वजह से यहां बीजेपी और मजबूत हो जाती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में चाबी किसके हाथ लगती है, क्योंकि यहां के मतदाताओं को रुख ज्यादा दिनों तक किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बीजेपी अपना गढ़ बनाए रख पाती है या कोई और पार्टी यहां गुल खिलाने में कामयाब रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो बासगांव की अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो बासगांव भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में 2024 में क्या बीजेपी का गढ़ वाकई बीजेपी बचा पाती है या फिर इंडिया गठबंधन इसमें सेंधमारी लगा पाता है, ये सवाल बड़ा है। देश का मुखिया कौन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए और दूसरे लोकसभा क्षेत्र के साथ। हमें दे इजाजत। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।